हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। देखिए, बात चल रही है फिक्स्ड प्रीपोजिशन की। तो ऑलरेडी मैंने एट और फ्राम और भी मैंने कुछ करा दिए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए और वहां से उन सारे इंपॉर्टेंट वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं ना, उसका कोई रूल नहीं होता है। और बाकी जो प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, जैसे ऑन अपॉन, ये सब जो होता है वो हम आपको एक वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। दिया है कि अबाउंड इन, अबाउंड इन, देखिए अबाउंड के साथ हमेशा इन का प्रयोग होता है, भरा हुआ इसका मतलब होता है हिंदी में, ठीक है। इंडिया अबाउंड्स इन मिनरल, जो क्या है, भारत खनिजों से क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिया है कि अब्सॉर्बेड, अब्सॉर्बेड मतलब होता है कि डूबा हुआ या लीन, ठीक है। कुछ लोग होता है ना, पढ़ाई में लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं, कुछ लोग फोन चलाने में लीन रहते हैं या डूबे रहते हैं। तो देखिए, दिया है कि ही वॉज एब्जॉर्बेड इन स्टडीज, क्या है, वह अध्ययन में डूबा हुआ था या फिर लीन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिया है बिलीव इन। आप देखिए, बिलीव का तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बिलीव का उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन होता है, इन का, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहाँ पे हम आपको बता दें, ऐसे देगा, दे देगा कि वी शुड बिलीव और यहाँ पे स्पेस हो जाएगा और उसमें ऑप्शन हो जाएगा इन, ऑन, ओवर, एट और लास्ट में गॉड रहेगा, तो क्या भरेंगे, इन भरेंगे, ठीक है। वी शुड बिलीव इन गॉड, हमें क्या करना चाहिए, भगवान में विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोर्न इन दिया है, बोर्न के साथ इन का प्रयोग होता है तब जब देश में उत्पन्न की बात आए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ही वॉज बोर्न इन अमेरिका, वह अमेरिका में क्या, पैदा हुआ था, ठीक है। डील के साथ देखिए इन का प्रयोग होता है और डील के साथ विद का भी प्रयोग होता है। तो डील के साथ विद का प्रयोग तब होता है जब किसी व्यक्ति से बात की जाती है, ठीक है। लेकिन जब किसी व्यवसाय की बात की जाए तो वहाँ पे डील के साथ इन का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे व्यवसाय करना है और ही डील्स इन सिल्क गुड, मतलब कि वह क्या करता है, रेशम के सामानों का कारोबार करता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिया एक्सपर्ट इन, होता है ना, आप एक्सपर्ट का प्रयोग करते रहते हैं हमेशा कि आप बहुत एक्सपर्ट हो, तो एक्सपर्ट के साथ इन का प्रयोग किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप डेली रूटीन में आप बोलते रहेंगे, जब भी एक्सपर्ट की बात आए तो आप सोच लेंगे यार ये नहीं, एक्सेप्ट के साथ, सॉरी एक्सपर्ट के साथ इन का प्रयोग होता है। जितना इसका आप डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतना ये आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है दक्ष होता है, ठीक है। दिया है कि आशा इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग, क्या है, आशा सिंगिंग में क्या है, एक्सपर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिया है ये वाला, दिया है कि इंडल्ज, ठीक है। इंडल्ज का मतलब दिया है कि भोग विलास होता है, ठीक है। इसका मतलब रत होना या फिर भोग विलास करना, ठीक है। तो दिया है कि डू नॉट इंडल्ज इन लग्जरीज, मतलब कि भोग विलास की चीज़ों में क्या, लिप्त न रहें, ठीक है, डू नॉट, ठीक है, भोग विलास की चीज़ों में लिप्त नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट दिया है कि इंटरफेयर इन, अब देखिए इंटरफेयर आप बहुत करते हैं किसी के लाइफ में, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इंटरफेयर के साथ क्या आता है, इन आता है, इसको याद करना चाहिए, याद कर लीजिए कि यार इंटरफेयर इन इसके साथ आता है, ठीक है। देखिए वाक्य प्रयोग से आप इजीली समझ पाएंगे कि व्हाई डू यू इंटरफेयर इन माय इंटरनल अफेयर, इंटरनल अफेयर का मतलब होता है कि निजी मामला, ठीक है। तो आप मेरे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया इन्वॉल्व्ड इन, है ना, इन्वॉल्व्ड इन मतलब क्या होता है कि फंसा हुआ, इट मीन्स आई एम इन्वॉल्व इन डिफिकल्टीज, मैं मुश्किलों में क्या हूँ, फंसा हुआ हूँ। नेक्स्ट है प्राइड इन, देखिए प्राइड के साथ इन का प्रयोग होता है, ठीक है, प्राइड के साथ इन का प्रयोग होता है, ये लिख लीजिए। इसका मतलब होता है घमंड। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक बार और फिर से आपको समझा दे कि ही दे देगा, ही हैज़ प्राइड स्पेस दे देगा यहाँ पे, और हिज वेल्थ मतलब कि वो क्या है, अपने धन से क्या करता है, घमंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इन प्रीपोजिशन लग जाएगा, ठीक है। लास्ट देखिए, दिया हुआ है कि ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट मतलब क्या होता है, ट्रस्ट के साथ हमेशा इनका प्रयोग होता है, विश्वास करना इसका मतलब होता है, आप जानते हैं, ठीक है। दिया है कि वी शुड ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, हमें क्या करना चाहिए, भगवान में विश्वास करना चाहिए और क्या करना चाहिए, सही चीज़ों को हमेशा करना चाहिए। तो ये रहे कुछ ऐसे शब्द जिनके साथ प्रीपोजिशन इन लगाया जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, तो इन सबको लिख लीजिए या फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए। जैसे ही आप फिल इन द ब्लैंक वाला सेशन करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।